नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं वी इंडिया न्यूज चैनल। चलिए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। उज्जैन के मक्सी रोड स्थित बड़ी सब्जी मंडी में आज सुबह किसान और व्यापारियों का माल खरीदने को लेकर विवाद हो गया। विवाद इतना बड़ा कि किसानों का माल व्यापारियों ने फेंक दिया। बढ़ते विवाद को देख मौके पर पहुंची पुलिस और दोनों पक्षों को थाने लेकर आ गई। इन दिनों देश की राजधानी दिल्ली के चारों ओर किसान कड़कती ठंड में, जहां किसान बिल का विरोध कर रहे हैं और उस बिल के विरोध में देश भर की पब्लिक का उन्हें समर्थन मिल रहा है। वहीं दूसरी ओर उज्जैन के व्यापारियों ने आज सुबह ग्रामीण क्षेत्रों से अपनी फल और सब्जियों को बेचने के लिए मक्सी रोड स्थित बड़ी सब्जी मंडी में जब पहुंचे तो वहां पर किसानों का और व्यापारियों का फल और सब्जी खरीदने को लेकर विवाद हो गया था। विवाद देखते ही देखते इतना बढ़ गया कि सारे व्यापारियों ने एकत्रित होकर वह किसानों की सब्जियों को फेंक दिया और कहने लगे कि हम तुम्हारी सब्जी नहीं खरीदेंगे, सड़ती है तो सड़ जाए। वहीं दूसरी ओर किसानों का आरोप था कि उन्हें व्यापारियों ने साठ गांठ कर एकता कर ली है कि वे उनकी सब्जियों और फलों का उचित दाम नहीं देंगे। इसी के चलते वहां कुछ किसानों ने इसका जो विरोध करा, व्यापारियों ने एक मत होकर कह दिया कि हमें तुम्हारा माल नहीं खरीदना है। वहीं थाना माधवनगर को जब इस पूरे मामले की सूचना लगी तो थाना माधवनगर पुलिस ने किसानों और व्यापारियों को माधवनगर थाने बुलाकर समझाइश दी कि वे आपस में एक दूसरे के सहयोगी बने, ना कि विरोधी। वहीं किसान और व्यापारियों ने इस बात को समझा और वह राजीनामा कर लिया। माल इन्होंने फेंक दिया। आप आए, मेरे को मालूम क्या, आप व्यापारी हो के ये घरेलू हो, 10 गड्डी दूं क्या मैं, उठा के फेंक दी उन्होंने। क्या कहना है उनका? उनका कहने का मतलब है तुम 10 गड्डी मत बेचो, 2 गड्डी मत बेचो, 5 गड्डी मत बेचो। अगर हमारी एक भाड़ा बच जाता है तो 100 रुपए का धन सीधा सट 50 रुपए मांगते, दे दे क्या उनको हम? 10 रुपए कम दे दो, 10 रुपए कम दे दो आप। अब वो दिन भर हम मेहनत करें, ये करें, साइकिल से सामान लेके आया हूँ मैं, आज मेरी 40 गड्डी उन्होंने फेंक दी, सब वो चूर मूर हो रही है, उसका हजाना कौन दे रहा है मेरे को अभी? हाल दो दो महीने, ढाई महीने, तीन तीन महीने की फसल होती है। हेमराज भैया, कुछ लोग पूछे थे अभी मंडी में क्या विवाद था, मक्सी रोड की सब्जी मंडी में कुछ किसान और जो है कृषि सब्जी विक्रेताओं के बीच में कुछ बात को लेकर विवाद हो गया था। सभी लोग इकट्ठे होकर यहाँ पर गए आ गए थे थाने पर। कुछ महिलाएं भी आ गई थी जो कि खेलची विक्रेता है सब्जियों की और ठेला लगा के अपने व्यापार को संचालित करती है। उन सभी को आपस में कुछ बात विवाद में के आधार पर हमारे द्वारा समस्या सुनी गई, सुनने के बाद निकाल करा गया, सबको समझाए दे गई, चले गए सब। किसानों का कहना है कि उनने उनका सब्जी फेंकी है। एक किसान का कहना है सब्जी फेंक दी गई है, तो उस किसान से बात करके और जैसा भी रहेगा महिला को द्वारा बता दिया जाएगा, उनका निराकरण करा देंगे। फसल लेके आया व्यापारी ने हड़ताल कर दी थी, बोले किसान को माल बेच नहीं देंगे और मंडी में किसानों को वो सुबह भी फेंक दिया, मंडी माल भी फेंक दिया किसानों का। और व्यापारी कह रहे कि उनको 1-2 किलो, मतलब किसी को भी 1-2 किलो माल मत दो, माल नहीं आपको बेचने नहीं देंगे। ये मगजमारी हुई आज मंडी में हमारे, आज क्यों नहीं बेचने दे रहा वो माल? यही है कि मतलब जो व्यापारी वहाँ मंडी में बैठते हैं उन्हीं को माल दी जाए, फुटकर व्यापारी किसी को भी नहीं दी जाए। जो झोला लेके जैसे आम आदमी भी आता है नागरिक, उसको भी आप वो नहीं दे पाओ, मतलब नहीं देना आपको। उन्हें आज व्यापारी को माल फेंका, दो किसान उनका, हमारे किसान भाइयों का, और मंडी में आज गाड़ी उनमें नहीं आने दी, उनने मंडी में माल भी कमाया, किसान को हड़ताल के चक्कर में आज माल भी कम लाया किसान। क्या नाम आपका? मेरा नाम राजेश हारोड़ है। किसान कौन है इसका माल? किसान ये हेमराज।